कैथल के एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। कैथल सहकारी परियोजना में घोटाला करने के आरोप में एसीबी ने सहकारी समिति में कार्यरत अतिरिक्त रजिस्ट्रार जितेंद्र कोशी को गिरफ्तार किया। इसमें अम्बाला में एंटी करप्शन ब्यूरो के थाना में एक केस दर्ज था। केस में एसीबी ने जांच करते हुए आरोपी जितेंद्र कोशी को वीरवार देर रात यमुनानगर के एक ढाबे से गिरफ्तार किया है। आरोपी को एसीबी की टीम ने न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दो दिन का रिमांड दिया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार पैक्स में मूलभूत सुविधा देने और यहां पर सम्मान देने को लेकर एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के तहत ग्रांट देती है। इस योजना के तहत ही केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 में जिले में 4,40,00,000 रुपये की ग्रांट दी थी। आरोपी जितेंद्र शर्मा को इस योजना का महाप्रबंधक बनाया गया था। अभी आरोपी ने कितनी राशि का घोटाला किया है इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। इस पर एसीबी की टीम लगातार जांच कर रही है। इस मामले में जिले में एक और आरोपी है जो फरार चल रहा है। एसीबी ने इस आरोपी की अभी तक पहचान उजागर नहीं की है। दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दी जा रही है। इस बारे में एंटी करप्शन ब्यूरो कैथल इंस्पेक्टर सुबे सिंह ने बताया कि सहकारी परियोजना में घोटाला करने के आरोप में अम्बाला थाने वर्ष 2021 में एक केस दर्ज हुआ था। इस मामले में कैथल के साथ साथ लगते जिलों में कार्यरत अधिकारियों पर गबर करने के आरोप थे। इन आरोपों के तहत कैथल में कार्यरत सहकारी समिति के अतिरिक्त रजिस्ट्रार जितेंद्र कोशी को गिरफ्तार किया गया है। उसे शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर दो दिन का रिमांड लिया गया है। आरोपी जितेंद्र पर केंद्र सरकार की ओर से जारी ग्रांट में फर्जी बिल बनाकर गड़बड़ी करने का आरोप है। उसे कितने रुपए की गड़बड़ी की है इस पर जांच की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। इंस्पेक्टर सुबे सिंह, एंटी करप्शन ब्यूरो कैथल। जी, क्या कुछ मामला था सर? आज के क्या नाम था? इसमें एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा ये गुरुग्राम में एक मुकदमा दर्ज किया गया। ये जो हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं कैथल के, जितेंद्र शर्मा, तो ये GMB हैं ICDP के, तो उसके तहत केंद्र से जो कुछ ग्रांट आती है, जिसका कुछ सामान खरीदना होता है, कोई ये जो पैक्स हैं, पैक्स के अंदर कोई सेट बनाने हैं, कोई कंप्यूटर फर्नीचर इत्यादि वगैरह खरीदना है, उनका उस राशि का दुरुपयोग किया गया था। अभी इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। माननीय हमारे DG साहब के आदेश अनुसार ये काफ़ी सतर पे जाँच घोटाला हुआ है। अभी काफ़ी न्यूनताएँ पाई गई हैं। अभी कितने का है वो हमें अभी रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं सर। 4,40,00,000 रुपए थे ये 2020-21 में मिले थे। इन्होंने कुछ पैक्स हैं जो हमारी प्राइमरी समितियां हैं, उसमें कोई फर्नीचर है, कोई सेट बनाने हैं किसानों के उत्थान के लिए, केंद्र सरकार की स्कीम है, कुछ हरियाणा सरकार की स्कीम, जिसके तहत ग्रांट आई है। कैथल में सर इन्हीं की संलिप्तता पाई गई? अभी जांच जारी है। अभी जांच जारी है, अभी काफी है, अभी जैसे जैसे आएगी हम बताते हैं। इन्वेस्टिगेशन पूरे हरियाणा लेवल पे करो या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आई? नहीं नहीं पूरे हरियाणा में ही है। पूरे हरियाणा में कितने लोगों को आरोपी बनाया गया इसमें? अभी तो हमारे पास दो हैं, एक तो अभी फरार है और एक ही है हमारे पास। अभी अभी उसका हमें रखा हुआ है। हमारा विजिलेंस थाना अम्बाला में हुई है। ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड GM ICDP। क्या नाम था सर इनका? श्री जितेंद्र कोशी। सर दुरुपयोग किस प्रकार करते थे? ये बिल फर्जी बिल हैं, कोई काम ही नहीं करे अंदर, ये इस तरह के बिल हैं। तो अभी औरों की गिरफ्तारी के लिए अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसा भी होगा हम बता देंगे।